नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा सारण, जो कि बिहार में अवस्थित है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, यहाँ जो है पीएचडी एडमिशन टेस्ट जो है 2022 के एडमिशन निकाले गए हैं। दोस्तों, मैं सर्वप्रथम आप सभी को महत्वपूर्ण तिथि के बारे में बता दूं तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 17 जनवरी से लेकर जो है 30 जनवरी तक जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप सभी को सर्वप्रथम तिथि ध्यान रखना है। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन करने की जो दी गई है वेबसाइट, ये है ऑनलाइन आवेदन करने की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो मिनिमम जो है 55% मार्क्स जो है मास्टर डिग्री में जो छात्र जनरल कैटेगरी से आते हैं उन्हें होने चाहिए, और जो SC ST EBC BC EWS दिव्यांगजन है उन्हें जो है मास्टर डिग्री में मिनिमम जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी जो है पीएचडी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यह भी ध्यान रखना है कि जो छात्र ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑनलाइन सबमिट जो एप्लीकेशन फॉर्म है, सभी को जो है डॉक्यूमेंट्स बाय हैंड या बाय स्पीड पोस्ट जो है आपको इस पते पर जो है भेजने होंगे। वो भी तिथि यहाँ पर दी गई है 4 फरवरी 2023 तक जो है पहुँच जाने चाहिए। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि किन किन फैकल्टी सब्जेक्ट में जो है पीएचडी के सीटें निकाली गई हैं। तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में, कॉमर्स में आए हुए हैं ह्यूमैनिटीज में हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, फिलोसफी है। साइंस में यहाँ पर देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, ये सभी में सीटें आई हुई है पीएचडी के। सोशल साइंस की बात करें तो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी। तो दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी है वो बाद में जो है अनाउंस किया जाएगा। अभी सब्जेक्ट किन किन सब्जेक्ट में कितने सीटें आई हुई हैं पीएचडी के वो यहाँ पर इस जो है प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखे गए हैं। तो एलिजिबिलिटी जैसा कि मैं पहले भी बता दिया, ये यहाँ पर वर्णन किए गए हैं। दोस्तों, कौन ऐसे छात्र हैं जो एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्टेड रहेंगे, तो स्पष्ट यहाँ पर लिखा गया है कि यूजीसी, नेट, गेट, JRF जो छात्र हैं वे सभी छात्र जो हैं वो एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करेंगे तो इस वेबसाइट पर आपको जाने हैं, और मैं तिथि जैसा कि पहले बता भी चुका हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन करने के कितने फी लिए जा रहे हैं। तो जो छात्र जनरल BC EBC और EWS कैटेगरी से आते हैं उन्हें 2500 रुपये देने होंगे, और जो छात्र SC ST वोमेन कोई भी कैटेगरी के हो और दिव्यांगजन हो उन्हें 1500 रुपीज लगेंगे। तो ध्यान रखना है, ये ऑनलाइन आवेदन करने के फी लिए जा रहे हैं। दोस्तों, एंट्रेंस टेस्ट जो होंगे वो यहाँ पर 2 पेपर्स लिए जाएंगे। ईच पेपर जो है 100 मार्क्स का होगा। तो जो प्रथम पेपर होंगे पेपर 1 वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और जो पेपर 2 है वो सब्जेक्टिव टाइप, जो कि जो सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के सिलेबस है उन्हीं से पूछा जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन जो है जनरल कैटेगरी जो है मिनिमम 50% होने चाहिए, मार्क्स आने चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी से हैं 45 मार्क्स आने चाहिए वो क्वालिफाई करेंगे। मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि 100 मार्क्स का होगा, जिसमें पैट, नेट, जो स्लैट, JRF, इंटरव्यू जो है मार्क्स मिलाकर होगा। तो जो आपके मास्टर डिग्री हैं 70+ हैं, और जो आपके इंटरव्यू लिए जाएंगे वो 20 मार्क्स के होंगे, और जो पैट, नेट, JRF हैं वो 10 मार्क्स है। तो यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं, अगर आपके मास्टर डिग्री में 50 से 55% मार्क्स है तो 40 नंबर आपको मिलेगा, 55 से 60 है तो 45, 60 से 65 है तो 50। आप यहाँ पर मेंशन किया गया है देख सकते हैं, अगर 80 से अबव है तो आपको 70 मार्क्स मिलेंगे। तो हाईएस्ट 70 मार्क्स का है। पैट, नेट, बैट जो स्लेट है वो 5 मार्क्स मिलेगा, और जो JRF कैंडिडेट हैं, JRF कैंडिडेट हैं वो उन्हें 10 मार्क्स दिया जाएगा, और इंटरव्यू जो है वो 20 मार्क्स का है, और टोटल मार्क्स जो है 100 मार्क्स। तो आपको ध्यान रखना है, मेरिट इसी आधार पर बनाई जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट जो पेपर 1 और पेपर 2 के एग्जाम होंगे उनके मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्वेश्चन का, तो यहाँ पर सारे डिटेल दिए गए हैं। तो दोस्तों,
और आपके जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे वो छपरा में ही बनाया जाएगा, जो कि आपके जो एडमिट कार्ड में स्पष्ट लिखे रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जो छात्र छपरा जयप्रकाश नारायण जो है छपरा यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, और जो आवेदन करना चाहते हैं जल्द करें। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।